क्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है क्वेश्चन से इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर ईच बी इंक्रीज बाय फोर टाइम्स दैन द यूनिट ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज बाय हमारे ऑप्शन है टू टाइम्स फोर टाइम्स एट टाइम्स या फिर सिक्सटीन टाइम्स बहुत सिंपल सवाल है यूनिट डायमेंशन पर सवाल जाएगा सो so हमें यह पता है कि डन जो होता है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट नाउ हम कोई अब ऐसी यूनिट यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें आपका फोर्स की जो यूनिट है वो भी फोर टाइम्स हो गई है की यूनिट भी फोर टाइम्स हो गई है सो उस केस में हम इसको कहेंगे सो दिस विल भी इक्वल टू सिक्सटीन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय न्यू यूनिट सो एफ डैश मल्टीप्लाइड बाय डी डैश सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर